माफिया क्या ये भाई का दसवा डोसा है क्या? क्या टीचर डोसा है मैं नाश्ता भी नहीं करने दे रहा इतने दिन बाद तो छेड़ा यार भाई तो जल्दी जाओ तुम ग्रुप में टैग हो चुके हो कि निकलो जल्दी अरे निकल रहा भाई खाना तो खत्म करने थे छोड़ो हां जल्दी करना तुमको नहीं निकलना क्या भाई खाना पूरी निकलना क्या कर रहे हो मेरे को टैग कर दो भाई हो गया उसकी साइड तू रुको दो हो गए जॉर्जो 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 पॉल वाली दोस्ती टूट गई वाइपर वाइपर देखो दो ठीक है रुको देखते हैं क्या करता है यार रेडी होके बैठा सबसे पहले मैं सबसे पहले रेडी मैं ही हुआ खराब लग रहा है तेरे लिए नो रिवर्स वो नो रिवर्स खाए चांस कट हो गया इनका एक और डोसा सो हेलो गाइस गुड मॉर्निंग सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमस्ते कैसा का है एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग आज एज यू नो कि आज वो स्पेशल डे है कि हम लोगों का वो शूट होने वाला है मैं जब एक्सटर्नल आउटडोर शूट्स होते हैं मैं बहुत सुपर एक्साइटेड सुपर पम्प्ड अप रहता हूँ क्योंकि मतलब एक्सपीरियंस अलग होता है सब लोग आते हैं एनर्जी के साथ गेमिंग हाउस के अंदर जब भी शूट होता है लोग आते तो शूट तो होता है लेकिन बाहर के शूट में ना अलग ही एनर्जी लोगों को दिखती है आज मैंने कर सका इस वजह से बोला आप लोगों को एक अलग चीज़ लगी होगी क्योंकि कमेंट में कल के मैंने ब्लॉग में देखा था किसी ने बोला था कि एक बार कर सका है बोल के प्लीज़ शुरू करना सो मैंने इसलिए किया है तो अभी हम लोग नीचे चल रहे हैं आई एम ऑल ड्रेस्ड अप SATL की मर्च एंड वेयरिंग द एसेंशियल लोअर एंड बैलेंसिया का बाहर का शूट है थोड़ा फिजिकल टास्क है इसलिए मैं जा रहा हूँ नीचे चलते हैं वो अभी अभी उठाया गया है सब लोग रेडी हैं और जल्दी से रेडी होके एक चाय पी के फटफट निकलते हैं शूट के लिए डिले के बिना क्योंकि आज बहुत हेक्टिक डे है प्रिपरेशन कर लें कल बैंगलोर के लिए निकलना है सो निकलते हैं अभी नीचे के लिए एंड मस्ती करते हैं एंड शूट करते हैं लेट्स गो अरे हट जाइए आज हमें अवसर मिला है मॉडल भाई के भाई में बैठने के लिए जल्दी ले लो ये तो अपने भाई लोग हैं ये लो पीछे दो फैंस खड़े ना अपने भाई बहुत परेशान कर रहे हैं बिग बैन बिग बैन बिग बैन बिग बैन हट जाइए बिग बैन सर मत करिए एक फोटो सर ब्लॉग में ले लो नहीं ब्लॉग में ले लो गाइस अपने सेक्स भाई प्लीज जोर से मत करियो मेरा 1.5 लाख रुपए उड़ जाएगा हार तो देखो गाइस मैं लेता नहीं हूँ इसलिए मैंने ये वाली बाइक ली तो सॉरी गंदा हो गया तो I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind Please Lord give me a sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign तो गाइस हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं शूट करने के लिए ऐसे ट्वेल्व का एंड सारे भाई लोग यहाँ पे जमा हो गए मिल लिए यहाँ पे तुम लोगों को खबर कैसे लग जाता है आपके अंदर जासूस छोड़े हुए सच सच बताओ किसका कैसे पता चला गोल्डी भाई सुन लो ठीक है तो अभी हम लोग शूट के लिए आ गए हैं यहाँ पे सब लोग जमा हो रहे हैं धीरे धीरे यहाँ पे क्योंकि कॉलेज है कि तो सब लोगों को मोस्टली पिछली बार भी यहाँ पे क्रिकेट वाला हुआ था तो लड़के वड़के लोगों को सबको पता लग ही जाता है यहाँ पे कब आने वाले हैं क्या सीन है क्या नहीं है तो अभी हम लोग चलते हैं जल्दी से मिलते हैं ये सब फैंस भी जमा हो गए हैं यहाँ पे ये लो अरे हाय तो तुम आई हो सी यहाँ पे अरे मेरे को अपने कपड़े लेने हैं तो मुझे यहाँ से आईलैशेस और नेल एक्सटेंशंस लगवाने हैं मुझे जूते गाइस अभी धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं और अब मेरे को थोड़ा सा सुपर स्टोक फील कर रहा हूँ मैं जस्ट बिकॉज कि अब एक बंदा आ गया जिसको मैं छेड़ सकता हूँ सुनो मैंने बुली होना बंद कर दिया है बुली होना बंद कर दिया इन्होंने अरे बुली होना बंद हो गया था क्योंकि थी नहीं यहाँ पे अब शुरू होगा हम लोग थोड़े दिन पहले कॉमिक कॉन के लिए बैंगलोर जा रहे थे तो मैं प्लेन में थी और रिधमा ने मेरे लिए नारियल पानी मंगाया था तो मैं सो रही थी और नारियल पानी टेबल पे रखा था जो प्लेन का टेबल है
फिर मैं जब उठी मुझे डर लगा और मैंने नारियल पानी को अपने पैंट पे उठा दिया ऐसे करके, तो उसके बाद मेरी पैंट भीग गई, तो मेरी पैंट भीग गई तो मुझे ठंड लग गई। फिर होटल बहुत दूर था, ऐसे नहीं लग रहा स्टोरी बच्चों में जो हिंदी में हिंदी जो बोलती है। गाइस क्या लग रहा है तुम लोगों को? कैसा लगा तुम लोगों को? मुझे ठंड लग रही थी तो मैं डर गई, फिर बैठ गई, फिर मैं शर्मा गई। हिंदी टीचर होता है ना कि बेटा वहाँ से बच्चा दौड़ रहा था तो उसको लग गई चोट, चोट लग के नीचे बैठ गया, उसको घुटने में दर्द हो रहा है। टीचर आके बोली बेटा आपका दर्द हो रहा है, बैठ। नहीं नहीं तो इसमें आया है ऐसे बोलती रहे। हाँ मैं इसीलिए बिल्कुल ध्यान से सुन रहा था। दर्द होता है तो अपने घुटने दबाते हैं। So guys, it's a wrap for the day. The SATUL shoot has been done. बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी। हमारी मूवी का नाम है करो या मरो। हाँ करो या मरो। Yes sir. इनको लग रहा था कोई मूवी का शूट चल रहा है यहाँ पे। तो हाँ सनसेट देख लिया गाइस। अ मोमेंट। लो साथ रहो तो ए ओ ओ ले यही सब है जो दो चार वर्ड हैं। ठीक है स्नैक्स और जोकर के साथ रहो तो माम लियो, इन लोगों के साथ रहो तो ओ ई ए। तो छोटू तो उसका था, ये मेरी बहुत बड़ी फैन है। आपको नहीं बोलूं। फिर से आज गाइस हमें मौका मिला है बड़ी सी गाड़ी में बैठने का। कृतिका ये गाड़ी मुझे कब गिफ्ट कर रही हो? स्काउट को किसी ने गिफ्ट करी थी क्या? स्काउट को किसी ने गिफ्ट करी थी? उसने सेल्फ गिफ्ट करी है, मैंने भी सेल्फ गिफ्ट कर लिया, कोई होना चाहिए ना मुझे भी गिफ्ट करने वाला। What the fuck? Bro. हाँ जी. Full time. 2-1 Argentina हारी. Crazy. Argentina हार गई? किससे हारी? Saudi से. Saudi से हार गई. इसलिए football world cup is unexpected. That feeling है. Portugal जीत जाए. Portugal? भाई Portugal इस बार खेलेगी country के लिए plus Ronaldo के लिए हर एक player. आखिरी वर्ल्ड कप वो तो है ही। अब मुझे लगता है कि रोनाल्डो जिस चीज़ों में अभी रिसेंटली फंस गए उसके हिसाब से उसको परफॉर्म करके मतलब एक मैं जवाब देना पड़ेगा। मेरे को लगता है कि अभी तक रोनाल्डो के दिमाग में इतना कुछ भरा हुआ था और इस इंटरव्यू में इसने पूरा खोल दिया है। हाँ। तभी फुल फ्री माइंड खेलेगा। मेरे को फील ऐसा गट फीलिंग है। हाँ। रोनाल्डो ये वर्ल्ड कप मचाएगा और गलत मचाएगा। और मेरे को लगता है उसको पता था रिपरकशंस उसके बोलने के क्या होने वाले क्यों है ना। और वो मेरे को लगता है ये डिबेट को एंड कर देगा और एक फुल स्टॉप लगा देगा इस वर्ल्ड कप। There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. So guys, finally, कल रात के बाद अब खाने का मौका मिला है। मौका क्या मतलब शूट था तो मैंने सोचा कि मैं नहीं खा के जाऊं। फिजिकल एक्टिविटी थी, पेट भर जाता, थोड़ा बीटी हो जाता। और बीटी तो मुझे वैसे भी हो गया क्योंकि आज पहली बार जो है पोछी मेरे ऊपर चिल्लाया है, डांटा उसने मुझको। पहले तुम हमको ताना दिया तो उसके बदले हम तुमको एक ताना दिया बस। अच्छा और फिर उसके बाद तुम्हें समझ में आया कि उस वक्त मैं कितना ज़्यादा एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ जब तुमने बॉम्ब ड्रॉप किया था। वो हम समझ गया। समझ गया था ना जब तुम सेम स्टेज से गुजरा। फिर ऐसा हुआ कि मैं अपना वाला टास्क करने के बाद मैं फट गई थी। बहुत दिन बाद फिजिकल एक्टिविटी हुआ तो एक काम था वो पोछी ने आते कह दिया ये काम गलत किए हो उसको दोबारा करो। तो मुझे हुआ कि साले पानी वानी तो पूछ लेता ये वो। फिर ये हमको डांट दिया गाइस, मुझे डांट दिया गाइस पोछी ने। सोचो गाइस पोछी जो कि डांटते भी हंस रहा था है। नहीं मामले का शक्ल सीरियस था, ये लड़ाई करने के मूड में। मैं लड़ाई करने तुम आप बदनाम कर रहे हो हमको। हम लड़ाई नहीं करने के मूड में था। हम एग्जॉस्टेड था ब्रो। तूने खुद नहीं फील किया था साले 20 मिनट तक जमीन छोड़ के तू उठा नहीं है लेटा हुआ था। उसके बाद खुद का करने के बाद मेरा वो हालत था उस वक्त। कहाँ है वो फुटेज है तुम्हारे पास जब हम लेटा हुआ था? वाह ब्रो उमंग वो पोछी ये बात आ गई अब है। सबूत लाओ। बिना सबूत के भाई विजय सालगांवकर को छोड़ दिया। क्या बोलो कैमरा में देख के तो बोलो। ये देखो हाँ दिखा। दिस इज फॉर संगीत ठीक है। अलोंग विद दिस दिस इज फॉर हल्दी ठीक है। एंड दिस इज फॉर व्हाट आई डोंट नो। दिस इज फॉर मैरिज वेडिंग। अच्छा एंड वेडिंग के लिए मेरे पास सूट भी है मेरे पास। हां हम तो रेडी बैठा है लड़की नहीं है मैं।
हम ढूंढेगा कृतिका पोजी के लिए लड़की का इंतजाम करो इंतजाम क्या होता है मतलब शादी के लिए ठीक है ना जल्दी ढूंढो कृतिका हाँ यस अपने आप नागपुर से चाहिए तुम्हें ठीक है अभी कॉल करो नागपुरी चाहिए सो गाइस कल का एक कमेंट था माँ बाबा गोल्डी भाई के साथ थोड़ा सा ब्लॉग किया करो क्या ब्लॉग में देखना था बताओ बस आपका हालचाल लोग जानना चाह रहे थे गोल्डी भाई आप देख नहीं रहे थे हालचाल बहुत बढ़िया है एकदम फर्स्ट क्लास है मजे हो रहे हैं बढ़िया से शूट हो रहे हैं बढ़िया से एसएटीएल चल रहा है बहुत शांति का माहौल है कोई उंगलीबाजी नहीं है कोई बदतमीजी नहीं है गेमिंग हाउस का वाइब कैसा लग रहा है पॉजिटिव वाइब रहता है ऑलवेज बस मैं नेगेटिव करता है तो गाली दे दे के लोगों को नहीं ऐसा नहीं है इट्स फॉर आवर बेटरमेंट ओनली क्यों जो कर रहा है सही बात है बड़े गाली नहीं देंगे तो छोटे सुधरेंगे कैसे ऑफ कोर्स तो गेमिंग हाउस को मुजरा खाना बना देंगे लोग तो नॉट जोकर भाई वी आर मैरिड पीपल वी आर मैरिड पीपल नहीं तो मैं भी अनमैरिड होके भी मतलब मैं कितने एक सेकंड कितने दिन पहले नहा था कल ही तो नहा के क्या बोल रहे हो पहले उससे पहले परसों आया था नहीं 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 मैं बताता हूँ ड्रीम एक्स से आके टोटल दो बार नहाया वो भी ऐसा था एक बार गाड़ी की डिलीवरी और एक बार एक शूट में जाना था तुम कितने बार नहाए हो खाना नहीं खाया जाता पोछी ब्रश भी नहीं करता ब्रश जाना चाहिए मेरा भी पहला स्टेप वही बात है ब्रश करना चाय जाना और फिर चाय के बाद बाथरूम जाना है ना अगला कोविड का वेरिएंट तेरे में से निकलेगा बड़े मैं और बदीर आ गए हैं मॉल तू बदीर और हम लोग तुम उससे ही बड़ी तो मैं और बदीर आ चुके हैं यहाँ पे मॉल में क्योंकि कल हम लोगों ने जो दिया था क्या कहते हैं कुर्ता उसको कलेक्ट करना है क्योंकि वो ऑल्ट्रेशन को है मेरे सारे कुर्ते मर्सी का कुर्ता और स्नैक्स का भी कुर्ता है शायद तो हम लोगों को वो कलेक्ट करना है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एक चीज़ बाय हार्ट टूट गया है बदन दिल तो क्या है वो तो टूटता ही रहता है लेकिन बदन पूरा चकनाचूर हो गया मेरा सेम ब्रो यहाँ से ऊपर नहीं जाते हैं उंगलियाँ बिल्कुल टूट गई हैं तो पहले तो भाई मैं तो इन लोगों से बात कर रहा हूँ तुम देख लेती तुम तो नल्ली पाव घूम रही हो नल्ली पाव घूम रही हैं ये भी नहीं कर सकती घूम के आ रहे थे ऊपर चलते हैं नीचे उतरने वाले से खुद कुछ नहीं करना है सिर्फ कंप्लेंट करनी है अरे बाय द वे यार इसके साथ ट्रेनिंग कर रही हूँ मैंने भी falling fast sitting here praying that this night's gonna last you got it all on tap I'm loving your vibe always have your back ये वाला अरे मेरी चॉइस हमेशा से अच्छी है ये मेरा है मैडम ये वाला मेरा है ये वाला मेरा है ये मर्सी का है ये दो और ये वाला भी उसी का ही है हाँ और ये स्नैक्स है ये जूता हो गया अभी पोछी के लिए लिया है ना अच्छा लग रहा है ना यस थैंक यू थैंक यू तो गाइस फाइनली मुझे लड़कियों की शॉपिंग में बिना बात का जो है घसीट दिया गया है बिना बात का मुझे घसीट दिया गया है यहाँ पे चाहता नहीं था मैं कि मैं इस चीज़ से गुजरूं लेकिन बस भाई ये गलती हो गई मेरी कि ये जो है मेरे को आना था यहाँ पे गलती हो गई मेरी कि जो है मुझे यहाँ पे लेकर आ गया मैं इनको अपने काम के लिए और इन्होंने अपना काम चालू कर दिया यहाँ पे मेरे से तो ये सब नहीं होता बर्दाश्ती नहीं हो ही नहीं सकता मतलब आज तक मैं अपनी मम्मी के साथ भी जैसे ही मम्मी कहीं यहाँ पे घुसी मैंने तो रिक्शा करा और भागा हमेशा लेकिन भाई मैं तो साइड में खड़ा हूँ यहाँ पे दहलीज यहाँ पे है मेरी सामान रख दिया मैंने अपना वहाँ पे करना है जो करूँ मेरे से कोई मतलब नहीं है बिल्कुल कोई मतलब दिखा अब ये पूछा जा रहा है मेरे को समझ नहीं आ रहा इन दोनों में डिफरेंस क्या है ये थोड़ा है इसमें साइड है ये थोड़ा है और वो भी थोड़ा है जो समझ में आए कर लो भाई अपने से नहीं होगा ये अच्छा लग रहा अपने से नहीं होगा भाई मैं तुम लोगों को समझता हूँ
तुम लोग भी मुझे समझते हो, अपने से नहीं हो गई, अपना डिपार्टमेंट ना कभी था ना कभी हो सकता है, नेवर एवर 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 एवर। सो गाइस फाइनली बोरिंग घटिया मेरा टाइम वेस्ट सब ओवर हो गया भाई। तो क्या मेरा क्या वहाँ पे काम था? हाँ तो वहाँ पे कोई काम था भी नहीं, वहाँ से सिर्फ मैं उठाया बस्ता और चला आया। कृतिका अब कल करना, बिल्कुल 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 कल, बिल्कुल कल नहीं, अरे मम्मी भी ये कसम नहीं देती। चलो बाय 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 बाय। नहीं नहीं फिर अकेले आना, अकेले आना। शादी की प्रिपरेशन दूल्हे ज्यादा तो मामा ही कर रहे हैं। दूल्हे से ज्यादा तेज दाढ़ी मेरी आती है, करवाना पड़ता है। अभी दो दिन पहले करवाई थी, अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे इतना पता था कि जो है जब तक 26 तारीख को जो है, अरे भाई प्लीज 26 तारीख तक दाढ़ी ज्यादा आ जाती है। हो गया हो गया, इस वजह से मेरे को करानी थी आज। मुझे अपने दाढ़ी में कटवाया था इधर पूरी उड़ा दो ना, पागल हो गया। दाढ़ी मेरा यूएसपी है भाई, यूजी आयरन साइड। चल हो गया हो गया, गेम नहीं है तो यादें तो हैं, मुझे देख लिया करो गाइस, आयरन साइड याद आएगी। हो गया थैंक यू भैया। स्मार्ट बॉय बीमा भाई, इसके बाल काटते में अगर जुएं गिरे ना तो मेरे को बता दीगा, ठीक है ना? एक जू नहीं गिरेगी, एक नॉट सिंगल। अरे वो पता नहीं इसमें कब से हाथ वाथ डला नहीं है, पता नहीं कितने साल से इस सर में, इसलिए पूछ रहा हूँ। अड्डा तो बन ही चुका होगा ना अब तक, है ना? तो इसीलिए तो बीमा भाई मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। किस चीज के लिए? जब बीमा भाई इसके बाल काटते हैं ना, साथ साथ जुए भी कटती रहती है बीच में। ऑपरेशन चल रहा है, ऐसे कौन खाता है बर्गर को भाई? मैं और वाइपर खाते हैं भाई। हैं? मैं और वाइपर खाते हैं। तुम और वाइपर? हाँ। तो भाई उनसे कह दिया करो ना पहले ही कॉल करके कि वेजीज मत डालिए। यार मैं लिखती हूँ हर ऑर्डर में, लिखती हूँ क्या? लिखती हूँ टोमेटोज एंड अनियंस। डोंट पुट टोमेटोज एंड अनियंस, फिर भी डाल देते हैं। ये कौन सा है? मैक आलू टिक्की? ये भी महाराजा मैक महाराजा लग रहा है तुम्हारा, तुम खा रही हो तो। पिद्दी अरे सर मैन ऑफ द आवर, क्या हाल है? कैसे हो? आ तुम्हें थक से मिल पाए? अरे मैं मिल के आ गया। अरे आओ फिर से मिल पाए। मैं मिल के आ गया। अरे मैं मिलवाता हूँ आज, हो गया बहुत मिल गया, बहुत लोगों से मिल गया, गया काफी लोगों से। आपसे मिल गया। तुम आ रहे हो ना गोवा? नहीं। अच्छा अच्छा करेक्ट करेक्ट, आई गॉट यू, आई गॉट यू। यस यस यस। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग, आई होप यू हैव फकिंग एंजॉयड द व्लॉग, द एनर्जी, द एड्रिनलिन थ्रू आउट द व्लॉग। मैं दिखा नहीं सकता था कि व्लॉग में क्या हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा समझ रहे हो अपना SATUL का शूट था, तो थोड़ा सीक्रेट रखना पड़ता है। बट हाँ मैंने रिकॉर्ड ज़रूर करा है, जिस दिन वो वीडियो आउट होगा SATUL के चैनल पे, उस दिन मैं BTS डालूंगा उस दिन के व्लॉग के साथ, तो बी रेडी फॉर दैट। लेकिन उसके अलावा वी हैव डन अ लॉट ऑफ फन। अभी मैं रेडी होने जा रहा हूँ, रेडी क्या मतलब, मैं यही पहन के जाऊँगा SATUL ब्रो, दिल से। तो अभी जा रहे हैं हम, और जूता वूता पहनेंगे, फटफट सामान पूरा करेंगे, एंड देन बैंगलोर निकलेंगे QTs को मिलने के लिए, जो बैंगलोर में हमारा वेट कर रहे हैं। एंड देन फिर हम बैंगलोर से एक दिन पूरा अपना इवेंट अटेंड करके गोवा निकल जाएंगे डायरेक्ट, वहाँ पे मिलेंगे हम एयरपोर्ट पे ही माफिया बधीर एंड जो भी साथ में और आ रहा है। तो मिलते हैं गाइस आपको बैंगलोर की जर्नी पे, एंड फर्स्ट एवर वेडिंग SATUL में से किसी की जो हम अटेंड करने जा रहे हैं, उसका भी अब डायरी आने वाला है जल्दी। सो मिलते हैं गाइस अगले व्लॉग में, अंटिल देन लव यू ऑल, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल, मिलते हैं, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी या, बाय गाइस।